हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSIR नेट फिजिकल साइंसेस के लिए फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन। लैग्रेंजियन के बारे में हम जानते हैं कि लैग्रेंजियन हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, डेट इज टी, काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ बुक्स में के ई से भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो फंक्शन किसका होती है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी के स्क्वायर का मान लीजिए, वेलोसिटी का एक फंक्शन होती है। और वहीं पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी भी पोजिशन का फंक्शन होती है। तो अगर हम इसे क्लासिकली लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि जो लैग्रेंजियन है वो हमारे पास किस किस का फंक्शन होता है, एक तो सिंपल कोऑर्डिनेट, फिर एक उसके वेलोसिटी कोऑर्डिनेट एंड टाइम का फंक्शन होता है। सिमिलरली हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन हमारे पास होता है एच इज इक्वल्स टू टी प्लस वी। अब यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन में हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी स्क्वायर बाय 2m से। तो ये हैमिल्टोनियन जो होता है किसी भी फंक्शन के एक तो कोऑर्डिनेट का होता है, उसके कॉन्जुगेट मोमेंटम का एंड टाइम का। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, जो लैग्रेंजियन होता है हमारे पास, लैग्रेंजियन किस किस का फंक्शन होता है, एक तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट और टाइम का। और जो हैमिल्टोनियन होता है वो हमारे पास किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम एंड टाइम का। और जो इक्वेशन लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन को एक दूसरे से रिलेट करती है वो इक्वेशन होती है एच हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल्स टू समिशन ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम का कोऑर्डिनेट इनटू जनरलाइज्ड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट माइनस लैग्रेंजियन। ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यही इक्वेशन है जिससे हम हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और लैग्रेंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हमें लैग्रेंजियन दिया होता है तब हम निकालते हैं Pi की वैल्यू, और जब हमें हैमिल्टोनियन दिया होता है तब हम निकालते हैं Qi डॉट की वैल्यू। Pi की वैल्यू हम निकाल सकते हैं लैग्रेंजियन को डिफरेंशिएट करके उसके वेलोसिटी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट से। और वहीं पे अगर हमें हैमिल्टोनियन दिया होता है तो हम Qi डॉट निकाल सकते हैं हैमिल्टोनियन को जनरलाइज मोमेंटम से डेरिवेटिव करके। यहाँ पे Pi और Qi की वैल्यू निकालने के बाद हम सिंपली इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको एग्जांपल से। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इफ द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय एल इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस वी एक्स, द हैमिल्टोनियन इज। ये क्वेश्चन हमारे पास नेट जून 2012 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें लिखेंगे इक्वेशन जो रिलेट करती है लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन को। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हैमिल्टोनियन। तो हैमिल्टोनियन एच इक्वल टू समिशन पी आई क्यू आई माइनस एल। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्यू आई कंपोनेंट है वो कौन सा है, ओनली एक्स कंपोनेंट है, सॉरी यहाँ पे क्यू आई डॉट आएगा। कोऑर्डिनेट जो हमारे पास दिया है वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक्स। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे, समीशन पी एक्स इंटू एक्स डॉट माइनस में एल, क्योंकि यहाँ पे हमें लैग्रेंजियन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे निकालेंगे पी एक्स की वैल्यू। तो पी एक्स क्या हो जाएगा, कर्ली एल बाय कर्ली एक्स डॉट, ये किसके इक्वल आ जाएगा,
एक्स डॉट का स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x डॉट अपॉन में 2x माइनस वी एक्स का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स डॉट अपॉन एक्स। अब हमें पता है कि हमारे पास जो हैमिल्टोनियन में है उसमें एक्स डॉट की वैल्यू नहीं होती, उसमें क्या क्या वो किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड मोमेंटम का। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक्स डॉट इन टर्म्स ऑफ पी एक्स एंड एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इंटू पी एक्स। तो इस वैल्यू को हम वापस पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू पी एक्स, एक्स डॉट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू पी एक्स माइनस एल, एल हमारे पास क्या था, एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस माइनस प्लस वी एक्स। अब यहाँ पे भी x डॉट को हम रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास h क्या आ जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2x, एक एक्स है, एक एक्स कैंसिल प्लस में वी एक्स। तो ये हमारे पास फाइनली क्या इक्वेशन आ जाएगी, एक्स पी एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस वी एक्स। तो ये हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ये फर्स्ट पार्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, ए दैट इज हाफ एक्स पी स्क्वायर प्लस वी एक्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हैमिल्टोनियन ऑफ ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम एंड मोमेंटम पी इज गिवन बाय एच इक्वल टू पी अंडर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस वी एक्स। इन द यूनिट्स इन विच द स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल टू 1 द कोरिस्पोंडिंग लैग्रेंजियन इज। ये क्वेश्चन हमारे पास नेट जूम 2013 में आया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हैमिल्टोनियन दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हैमिल्टोनियन, और हमें क्या निकालना है, लैग्रेंजियन एल। यहाँ पे हैमिल्टोनियन में हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ओनली 1 दैट इज एक्स। तो यहाँ पे एल क्या आ जाएगा हमारे पास, पी एक्स इंटू में एक्स डॉट माइनस में हैमिल्टोनियन। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हैमिल्टोनियन, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक्स डॉट दैट इज इक्वल टू कर्ली एच पे कर्ली पी। और यहाँ पे हम हैमिल्टोनियन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो हमारे पास अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एक तरह से, पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अंडर द रूट। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें लैग्रेंजियन की इक्वेशन में जनरलाइज्ड मोमेंटम का कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, तो हम पी को एक्स डॉट की टर्म्स में निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पे हम पी स्क्वायर एक्स डॉट के स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे पी स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एम स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन
वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं पी इक्वल टू एम एक्स डॉट अपॉन में अंडर द रूट वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम सिंपली पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से हमारे पास लैग्रेंजियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा एम एक्स डॉट अपॉन में अंडर द रूट वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर इंटू में एक्स डॉट माइनस हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या था अंडर द रूट पी स्क्वायर में, अगेन यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे पी स्क्वायर की, यहाँ पे क्या देगा अंडर द रूट एम स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एम स्क्वायर माइनस बी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस अंडर द रूट, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस में बी एक्स, यहाँ पे ये और ये कट हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा लैग्रेंजियन एल इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा एम स्क्वायर और नीचे क्या रह जाएगा अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एम कॉमन एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस में वी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास यहाँ पे एम माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास माइनस वी एक्स, तो यहाँ से हमारे पास फाइनली लैग्रेंजियन क्या आ गया एम अंडर द रूट वन माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस वी एक्स। ये हमारे पास क्या आ गया लैग्रेंजियन। यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन बी डेट इज एल इक्वल टू माइनस एम अंडर द रूट वन माइनस एक्स डॉट स्क्वायर माइनस बी एक्स। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन दैट इज ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड कोऑर्डिनेट क्यू हैज लैग्रेंजियन एल वन अपॉन टू एम क्यू डॉट का स्क्वायर माइनस लैंडा बाय टू क्यू क्यू डॉट का स्क्वायर वेयर लैंडा इज अ कॉन्स्टेंट, द हैमिल्टोनियन फॉर द सिस्टम इज गिवन बाय। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है लैग्रेंजियन, सिंपली ये कितने कोऑर्डिनेट का सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोऑर्डिनेट डेट इज क्यू और उसका जनरलाइज्ड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट क्यू डॉट, तो सिंपली हमें क्या निकालना है हैमिल्टोनियन, एच किसके इक्वल होगा यहाँ पे हमारे पास पी इंटू में हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट यहाँ पे किसके टर्म्स में है क्यू डॉट के टर्म्स में, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू डॉट माइनस में लैग्रेंजियन। तो यहाँ पे हमें क्योंकि लैग्रेंजियन गिवन है तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे पी डेट इज इक्वल टू करली एल बाय करली क्यू डॉट, यहाँ पे हम लैग्रेंजियन को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ एम क्यू डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव टू क्यू डॉट माइनस लैंडा बाय टू क्यू क्यू डॉट का डेरिवेटिव टू क्यू डॉट, यहाँ से टू से टू कैंसिल टू से टू कैंसिल, अब यहाँ पे हमारे पास क्यू डॉट कॉमन आ गया तो एम माइनस लैंडा क्यू इंटू क्यू डॉट, तो यहाँ से हमारे पास
क्यू डॉट की क्या वैल्यू आ गई, पी अपॉन एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू। इस इक्वेशन को हम वापस यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या आ जाएगा, हैमिल्टोनियन एच इक्वल टू पी इंटू क्यू डॉट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, पी अपॉन में एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू माइनस में, यहाँ पे हम एल को सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, हाफ क्यू डॉट स्क्वायर कॉमन एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ क्यू डॉट स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू का स्क्वायर इनटू में एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू। यहाँ से एक कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, एच इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू माइनस ऑफ पी स्क्वायर बाय टू एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू। यहाँ पे सिंपली सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन टू एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू। तो ये हमारे पास यहाँ पे हैमिल्टोनियन की क्या वैल्यू आ गई, बी पार्ट डेट इज पी स्क्वायर अपॉन टू एम माइनस लेंथ ऑफ क्यू। तो हमारे पास ये बी पार्ट इसका क्या हो गया, सही सॉल्यूशन, और ये वाला क्वेश्चन नेट जून 2014 में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।